लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज प्लैनेट समाचार ग्रह को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। समाचार ग्रह में आपका स्वागत है। खबर बिजनौर से है। 10 वर्षीय बच्ची का शव बरामद, परिवार में मचा कोहराम। 10 वर्षीय बच्ची को जानवर द्वारा जंगल में उठाकर ले जाने का मामला। बच्ची की गहनता से की जा रही थी तलाश। 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद। वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर आवश्यक कार्रवाई में जुटे। बीते कल देर शाम एक झुग्गी से झुग्गी में जाते हुए जंगल जानवर उठाकर ले गया बच्ची को। ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करता था परिवार। बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, ये कल एक बच्ची को गुलदार उठा के ले गया था, उसका शव गन्ने में मिला है, क्या पूरा मामला है? इसमें ऐसा है, कल शाम को जो है यहाँ ये भट्टे है इनका, निर्मल सिंह का, इसमें जो लेबर है वो उत्तर प्रदेश से आई है, पीलीभीत जिले से काम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो है कि भट्टा मालिक ने जो है लेबर के सुरक्षित रहने का कोई आवासीय परिसर नहीं बना रखा है। यहाँ जो है घने जंगल है, उसके बीच में जो है लेबर को यहाँ जो है टूटे फूटे छप्परों में जो है रखने के लिए रख दिया है। अब शाम को जो है अंधेरा पड़े करीब 7 के आसपास में जो है एक लेपर्ड जो है वो गन्ने से निकल के आया और उसने जो है बच्ची यहाँ खेल रही थी, करीब उसकी उम्र जो है 10 से 11 साल बताई जा रही है, और उसने जो है उसको अपने दबोचा और वो लेके जो है गन्ने की तरफ गया। अब जो स्थिति यह है कि जो जहां बच्ची को लिया है, उठाया है जहां से, जहां हमला किया है, और जो आवास है ये भट्टा है, ये उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ क्षेत्र है, और डेड बॉडी जो वो लेके गया है करीब आधा किलोमीटर खींचकर वो फिर जो है उत्तराखंड का क्षेत्र आ जाता है। तो इसमें जो है दोनों विभाग, उत्तराखंड वन विभाग और उत्तर प्रदेश वन विभाग मौके पर मौजूद है। डेड बॉडी जो है वो प्राप्त हो गई है, उसका जो है पंचनामा भरवाकर पुलिस द्वारा, उत्तरांचल पुलिस जो है उस पर कार्रवाई करेगी डेड बॉडी पर। जो मुआवजा का प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश सरकार का वन विभाग अमानगढ़ रेंज बिजनौर डिवीजन जो है उसको अमल में लाएगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अशनदीप सिंह है। क्या हुआ आज? सर, मैं कंदपुर का निवासी हूँ। आज कल रात की बात है कि हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो हमारे कुत्ते का एक शेर पड़ा, तो हमने उसको भगा दिया। भगाने के बाद जैसे ही हम घर गए, घर जाने के बाद गुरुद्वारे माथा टेकने गए, शाम बात है 7:30 और बीच में। उसके बाद एक लड़की कर रही थी, खेल रही थी बाहर, उसको उठा के ले गया। रात हमने 11 बजे ढूंढा, हमें नहीं मिला। सुबह डेड बॉडी उसकी मिली है, और सबसे ज्यादा खतरा हमें हाथियों और शेरों से है जो घर में आते रहते हैं ज्यादातर।